हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको मेरा गांव का जो सीन है वो दिखाना चाहता हूं। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं गांव की ओर। ये आप देख पा रहे हैं सामने, वो जो सामने घर बने हुए हैं वही हमारा गाँव है। और इस गाँव के पास में जस्ट इधर ये तालाब है, ये पूरा तालाब है इधर। और इसका अभी निर्माण कार्य चल रहा है अभी। और ये सामने एक नाव पड़ी हुई है यहाँ पे। तो गाइस, बहुत शानदार नज़ारा है यहाँ का, मेरे गांव का। ये देखिए, ये शानदार नज़ारा है इस गांव का, जो कि मेरा गांव है, कोटा राजस्थान में ही है, काला तालाब नाम से गांव है। हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ मेरा दोस्त ये आकाश है। आकाश, हेलो करो। हाँ हेलो भाई। तो हम दोनों दोस्त हैं और ये हम आज व्लॉग बनाने के लिए इसको लेके आया हूँ मैं साथ में। मुझे क्या है फ्रेंड्स, इतना बोलना नहीं आता वीडियो में। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, पीछे का सीन देख लीजिए फ्रेंड्स, कितना शानदार सीन है पीछे का। शानदार नज़ारा है फ्रेंड्स, शानदार। ये देखें आप, इसके मेरे पीछे वो जो चद्दर लगे हुए हैं वो शमशान घाट हैं। और उसके ही जस्ट सामने वो उधर कब्रिस्तान है। तो दोनों आमने सामने ही हैं, कब्रिस्तान और शमशान घाट। गाँव के बाहर हैं ये। और ये जो आप ये इधर मकान बने हुए हैं पीछे, मेरे पीछे यही मेरा गांव है। ये देखो, ये गांव है। तो अभी अपन चलते हैं गाँव के अंदर और गाँव का भी शूट करते हैं वीडियो। तो वीडियो में प्लीज़ बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही न्यू न्यू व्लॉग मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलते हैं गाँव की ओर अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं, हमारा जो पुराना स्कूल है जहाँ हम केला कूदा करते थे, छोटे छोटे थे जब पढ़ा करते थे उस स्कूल में। तो आज उस स्कूल की वापस फिर से यादें ताज़ा करेंगे। तो आइए चलते हैं स्कूल की ओर और स्कूल का विजिट करते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको मेरा पुराना स्कूल। तो वीडियो में बने रहें फ्रेंड्स, आइए चलते हैं स्कूल की ओर। पहले ये स्कूल हुआ करता था, अब ये धर्मशाला के रूप में गांव वालों के किसी फंक्शन में, शादी ब्याह में काम आती है धर्मशाला। ये पहले स्कूल था ये। हेलो गाइस, ये है हमारे गाँव की धर्मशाला पापू जी महाराज की। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये पापू जी महाराज का स्थान है। और पहले ये गाइस, ये यहाँ पे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे जहाँ पे हम पढ़ा करते थे। लेकिन अब ये सरकारी स्कूल था पहले और अब ये धर्मशाला में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे गांव के जो भी प्रोग्राम होते हैं छोटे बड़े, सभी यहाँ इसी जगह पे भोजन बनाया जाता है और गांव वालों को सबको भोजन कराया जाता है यहाँ पर। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो परिंडे लगे हुए हैं, ये जो यहाँ के कबूतर वगैरह आते हैं ऊपर, तो उनके लिए पानी वानी डालने का बना रखा है ये। और ये मेरे पीछे ये पापू जी महाराज का स्थान है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही मैं आपके लिए न्यू न्यू देसी व्लॉग बनाता रहूँगा और डेली नए व्लॉग लाता रहूँगा। तो चलते हैं अब अंदर की ओर, अंदर का भी थोड़ा बहुत विजिट कर लेते हैं, देख लेते हैं गांव का। मैं दिखा देता हूँ आपको सीन, कैसा नज़ारा बनता है यहाँ का। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा गांव। और ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये कुआं है, एक कुआं है। ये गांव के सभी आदमी यहाँ पर बेटा उठा करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार। अभी हम चल रहे हैं, ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये बेरुजी महाराज का मंदिर है गांव में। और ये मेरे पीछे जीतू है। जीतू, और जीतू क्या हाल है? बढ़िया है। और खाना वाना खा लिया? नहीं खाया अभी। तो फ्रेंड्स, ये जीतू है,
हमारे इधर ही रहता है पास में, पड़ोसी हमारे, और ये इसका छोटा भाई है कन्हैया, भग गया वो उधर, उसको शर्म आती है वीडियो के अंदर। तो ये इधर छोटी छोटी गांव की गलियां हैं फ्रेंड्स, और ये छोटी छोटी बच्चियां खेल रही हैं यहाँ पे, मेरा पीछे आप देख पा रहे हैं, ये बच्चे खेल रही है गांव की, और इधर पता नहीं जानकारी की खुदाई चल रही है। ये बच्चियां खेल रही हैं यहाँ पे, मुझे तो चला।